चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी भोपाल से बड़ी खबर मिल रही है, गौरव दिवस की तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा प्रबुद्ध जनों को संबोधित करेंगे, आमंत्रित करेंगे, जनजातीय संग्रहालय पहुंचकर आमंत्रण देंगे। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर एक कार्यक्रम होना है, जम्बूरी मैदान में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। गौरव दिवस की तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है। वीडी शर्मा प्रबुद्ध जनों को आमंत्रित करने वाले हैं, जनजातीय संग्रहालय पहुंचकर आमंत्रण देंगे। और खबर पर अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता दुष्यंत लगातार बने हुए हैं। दुष्यंत, जिस तरह से हमने अभी बात की कि लगातार तैयारियां तो की ही जा रही हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री भी आने वाले हैं, तो बीजेपी पूरी तरह से तैयारियों में जुटी हुई है और साथ ही वीडी शर्मा प्रबुद्ध जनों का आमंत्रण भी देने वाले हैं, क्या कुछ अधिक जानकारी, किस तरह से बीजेपी प्रयास कर रही है पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए? देखिए, तमाम सारे प्रयास किए जा रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो लोग यहाँ पर आना चाहते हैं उनको लेने और छोड़ने की व्यवस्था यहाँ पर सरकार ने कर रखी है। हालांकि अगर बीजेपी की बात कर रहे हैं तो बीजेपी ने भी तमाम सारे प्रबंधन जो हैं वो इस कार्यक्रम को लेकर किए हैं। अगर जनजातीय पूरे सम्मेलन की बात की जाए तो प्रधानमंत्री जब यहाँ पर पहुंचेंगे और 2.5 से 3 लाख लोगों को संबोधित करेंगे तो उस संबोधन को सुनने के लिए लोग वहां पर पहुंचे और जिस तरीके से एक बड़ा कार्यक्रम है तो उसको सफल किस तरीके से बनाया जाए उसमें भी बीजेपी का संगठन लगातार जुटा हुआ है। लगातार बैठकों का दौर पिछले दिनों देखने को मिला, लेकिन आज से एक अलग शुरुआत जो है वो प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा करने जा रहे हैं। चूंकि एक बड़ा कार्यक्रम है और लोगों को आमंत्रित भी करना है तो प्रबुद्ध जन वहां पर बड़ी संख्या में पहुंच सके, इस पूरे कार्यक्रम को समझ सके और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लगातार जो जनजातीय वर्ग के लिए काम किया गया है उस काम की किस तरीके से वो समीक्षा कर सके, साथ ही साथ जब घोषणाएं होगी या फिर जनजातीय वर्ग के लिए घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे तो उस घोषणा का क्या औचित्य है, किस तरीके से उसका महत्व लोगों में बताएं ताकि इस जो कार्यक्रम है इसको सफल पूरी तरीके से बनाया जा सके। साथ ही साथ अब तक जनजातीय वर्ग के लिए सरकार ने किस तरीके से प्रबंधन किए, किस तरीके से काम किए तो उन कामों का भी निष्कर्ष जो है निकालकर उन जनजातीय के जनजातीय लोगों तक पहुंचाया जाए जिन तक अभी तक ये बातें नहीं पहुंची, योजनाएं नहीं पहुंची हैं। तो इन इस बात को लेकर प्रबुद्ध जनों को आज आमंत्रित इस कार्यक्रम को लेकर करने वाले हैं प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा। और आज से इसकी शुरुआत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोशिश ये की गई है कि अब 2 से 3 दिन ही बचे हैं और 2 से 3 दिन में तमाम सारे काम भी करना है तो प्रबुद्ध जनों को आमंत्रित करने का काम जो है वो लगातार अब शुरू हो जाएगा। और जिस तरीके से लगातार आसपास के इलाकों में जो प्रबुद्ध जन है जनजातीय समुदाय के तो उनको यहाँ पर बुलाया जाएगा ताकि वो पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग करें। साथ ही साथ लगातार बीजेपी ये भी प्रयास कर रही है कि जो अलग अलग क्षेत्र है 89 ब्लॉक्स है आदिवासी के मध्य प्रदेश में तो ऐसे में वहां से लोगों को किस तरीके से राजधानी भोपाल तक पहुंचाया जाए, किस तरीके से वो इस कार्यक्रम में शामिल हो और किस तरीके से उनके लिए किए गए कार्यों की वो समझ सके, इन सभी बातों को लेकर लगातार संगठन जो है वो अपने स्तर पर काम कर रहा है, सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है और कोशिश यही की जा रही है कि जब कार्यक्रम होगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे तो ऐसी कोई बात सामने ना आए जिससे कहीं ना कहीं बीजेपी मध्य प्रदेश बीजेपी की छवि धूमिल हो जाए उनकी नजरों में। तो तमाम सारे प्रयास है ऋतु और लगातार कोशिश यही की जा रही है कि जो संगठन है उसको भी ऊंचा उठाया जाए और लोगों को उससे जोड़ा भी जाए। जी बिल्कुल, लगातार प्रयास करे बीजेपी के, जिस तरह से पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है वो सफल रहे। बने रहे दुष्यंत, आपके पास फिर लौटेंगे। तो गौरव दिवस की तैयारियों में लगातार बीजेपी जुटी हुई, आज समीक्षा बैठक भी मुख्यमंत्री करने वाले हैं, साथ ही वीडी शर्मा प्रबुद्ध जनों को आमंत्रित भी करेंगे। तो पूरी तरह से पार्टी लगातार प्रयास कर रही है कि जो कार्यक्रम के लिए इतनी तैयारियां की गई है, पीएम मोदी को भी आना है, कार्यक्रम सफल हो सके।